हो गई स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, आप लोगों की आवाज़ तो आती नहीं इसमें, थोड़ा ज़ोर से बोला करूँ जब भी मैं पूछता हूँ। हाँ ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग का ही नहीं, कोई सवाल पूछता हूँ तब भी आपका आंसर ये ज़ोर से बोलना है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कल हमने एवरेज स्टार्ट किया था क्या? औसत मैंने क्या बताया था? सब संख्याओं को बराबर करना, कोई भी चीज़ है उसको बराबर करना औसत कहलाता है क्या? ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था? औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लगातार संख्याओं का है तो प्राकृतिक संख्या अगर लगातार है तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन बाई टू। और फिर मैंने उसको एन से भाग लगाया था तो एन प्लस वन बाई टू आया था क्या? इसका मतलब जब भी लगातार संख्या है तो आप क्या करोगे, पहली और अंतिम को जोड़ के कितने का भाग लगा दोगे? दो का भाग लगा दोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या क्या है? विषम है। अगर संख्या लगातार है और पदों की संख्या क्या है? विषम, तो मध्य वाली संख्या औसत होती है क्या? लेकिन अगर पदों की संख्या सम है तो क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल उसको कर लेते हैं ना। यदि पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या सम है और संख्या कैसी है? लगातार, यानी उनके मध्यम अंतर क्या है? बराबर है। ठीक है, जैसे इधर देखना मेरी बात ध्यान से, जैसे आपको लिखा दो तीन चार पाँच छः और सात, दो और दो चार, दो छः। अब इसका औसत कितना होगा बताओ? औसत कितना होगा? दो तीन, हाँ 4.5 हो जाएगा ना, साढ़े चार। ठीक है, क्योंकि देखो आप क्या करोगे, ये छः संख्या है क्या? छः में बीचों बीच में देखो दो तो इधर हट जाएंगी और दो इधर हट जाएंगी, छः में से चार हट जाएंगी। अब ये दो बच रही है ना बीच में, तो इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों के बीच में चार और पाँच के बीच में कौन सी आ गई बताओ? 4.5। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हो चार और पाँच को जोड़ो कितना आएगा? नौ। नौ में दो का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? साढ़े चार। ठीक है क्या? अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन लिखो, यदि 20 लगातार संख्याओं का एग्जाम्पल लिखो, पदों की संख्या समान है ये लिख लेना, सम है, लिखो इसको, तो फिर मैं सवाल लिखाता हूँ। यदि 20 लगातार संख्याओं का औसत 45.5 है, यदि 20 लगातार संख्याओं का औसत 45.5 है, तब वही की वही क्वेश्चन है, पहली संख्या क्वेश्चन निकालना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यदि 20 लगातार संख्याओं का औसत 45.5 है तब सबसे बड़ी संख्या, तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दूसरा लिखो सातवीं संख्या ज्ञात करो, सेकंड लिखना है सातवीं संख्या ज्ञात करो। सातवीं, सेवंथ नंबर ज्ञात करना है आपको। कितनी आ रही है छोटी संख्या? छोटी संख्या 36 आ रही है। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी आ रही है? 55। ठीक है, देखो कितना है औसत, कितना है 20 संख्या है ना, 20 का है 45.5। इसका मतलब मध्य की संख्या क्या है बताओ? 45.5 है क्या? लेकिन आप क्या करोगे, 45.5 से पहले नंबर कौन सा आता है बताओ? 45.5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 45। और ये कौन सा आता है? 46। इसका मतलब जब भी आपके नंबर ऑफ स्टेप अगर सम इवन है, ठीक है, सम संख्या में है, तो बीच की दो संख्याएं पता लगेगी आपको। अच्छा एक बात बताओ, कितनी संख्याएं थी टोटल ज्ञानेश? 20 में से कितनी पता लग गई? बची कितनी? 18। इसका मतलब 9 तो आगे होंगी और 9 पीछे होंगे क्या?
तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 9 आगे जाओगे तो 46 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 यानी 55 आ गया क्या, और 9 पीछे जाओगे तो 45 में से 9 गया तो कितना बचा 36। तो दो आंसर तो ये हो गए कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 55, सबसे छोटी संख्या कितनी है 36। अच्छा तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था इसमें, सातवीं संख्या, तो सातवीं संख्या क्या 6 आगे होगी क्या, तो 6 आगे होगी, तो सबसे छोटी संख्या अगर पहली संख्या 36 है, 36 से 6 आगे कौन सी आ जाएगी बताओ, 36 और 6 42, ये आंसर है भाई सातवीं संख्या, सेवंथ नंबर ये आ गया आपका, लिख लो, लिख लिया क्या। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगले तरीके के क्वेश्चन करते हैं। हाँ अगली टाइप के क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि n संख्याओं का, मैं आपको लिख के बताता हूँ, यदि n संख्याओं का औसत m है, यदि n संख्याओं का औसत m है तब पहला क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है, प्रत्येक संख्या को x से गुणा करने पर नया औसत, n संख्याओं का औसत कितना है बताओ m, अब प्रत्येक संख्या को अगर मैं किससे गुणा कर रहा हूँ x से, तो नया औसत क्या हो जाएगा बताओ, जो भी आपका औसत है ना उसमें किससे गुणा कर दो आप, m into x। भाई औसत कितना था m, आपको प्रत्येक संख्या को कितने से गुणा कर रहे हो x से, तो नया औसत क्या हो जाएगा m into x, समझ ना। सेकंड ये हुआ कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, प्रत्येक संख्या को x से भाग लगाने पे क्या आएगा बताओ नया औसत, x से भाग लगाने पर नया औसत, तो आप क्या करोगे, जो भी औसत है ना, इधर देखो औसत कितना है बताओ, संख्याएं तो n है, औसत कितना है m, तो x से किसको भाग लगा दोगे, अगर वो जो देखो सीधी सी बात ये है, अगर वो कहता है कि प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर दिया जाए तो आप औसत को x से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, अगर वो बोलता है कि प्रत्येक संख्या में x से भाग लगा दिया जाए तो आप औसत में x से भाग लगा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर वो बोलता है कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, औसत में x जोड़ दोगे, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर नया औसत, तो ये हो जाएगा m प्लस x, जो भी औसत है उसमें x जोड़ दो, और अगर वो घटाने की बोलता है तो आप घटा दो, प्रत्येक संख्या से x घटाने पर नया औसत, तो ये हो जाएगा m माइनस एक्स, जो भी आपका औसत है उसमें से x घटा दो, ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे, अभी तो इसको लिख लो। पहला एग्जाम्पल लिखो, इसको लिख लो, हाँ लिखो, यदि एग्जाम्पल लिखो,
ज्ञाने से लिखो, है ना। चौथा वाला है जोड़ने पर जोड़ दो और घटाने पर घटा दो, ना। लिखो, यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत 32 है, 32, 10 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करने पर नया औसत ज्ञात करो। 10 संख्याओं का औसत 32 32 है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करने पर नया औसत। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करने पर नया औसत ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक है। सवाल करें क्या? देखो, मैं आपको एक बार बेसिक से समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे मान लो आपने 10 संख्या मानी, 10 संख्या होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी होगी बताओ, x10 हो गई क्या? सही बात है क्या? और 10 संख्याओं का औसत कितना है? 32। औसत होता क्या है बताओ? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यानी किस तरह का औसत होता है? ये भाग लगाने पर 10, ठीक है क्या? एक्स, अब क्या कर रहे हो आप, प्रत्येक संख्या को कितने से गुणा कर रहे हो? 6 से। इसका मतलब आप x1 को भी 6 से कर रहे हो, x2 को भी 6 से कर रहे हो, x3 को भी। तो आप इस तरह से कर रहे हो, 6x1 प्लस 6x2 प्लस 6x3 प्लस डॉट 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 6x10, और ये आ गया बटे में 10। सही बात है क्या? अब आप क्या करो, 6 कॉमन ले लो, यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10 बटे में 10। और क्या इसका मान तो 32 है क्या? ये जो औसत है उसका मान x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 बटे में 10, इसका मान कितना है सवाल के अनुसार? 32, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 32। तो इसकी जगह पे 32 रखोगे तो ये आ जाएगा 6 × 32। तो डायरेक्टली आप 6 × 2 = 12 की 2 हाथ लेख, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, 192 हो गया। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रख लेना है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना। आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि 6 संख्याओं का औसत 10 है, 1500, तो जो वो काम कर रहा है वो आप औसत के साथ कर दो। जैसे इस सवाल में क्या बोला था उसने बताओ, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए, तो प्रत्येक को 6 से गुणा कर दिया जाए तो 32 × 6 डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, जो भी औसत है औसत को संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 = 19, 192 हो गया क्या? ठीक है। आज उदास कैसे है? आज हालत खराब है, कोई बात नहीं है, नींद आ रही है ना। एक सवाल लिख, अभी नींद जाती है। अगला सवाल लिखो, लिखो 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 67 है 67 है, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 67 है, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर नया औसत ज्ञात करो। प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ने पर औसत ज्ञात करो। कितना आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 85 आ रहा है ना, ठीक है। बस मैंने आपको क्या बोला था बताओ, औसत कितना है, औसत को देखना है आपको, औसत है 67। अब इसके बाद क्या करना है बताओ, अगर वो जोड़ने की बोल रहा है तो जोड़ दो, घटाने की बोल रहा है तो घटा दो, गुणा की बोल रहा है तो गुणा, भाग की बोल रहा है तो भाग। तो आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पे जोड़ना है क्या, तो कितना जोड़ोगे? 18। तो देखो 67 में 10 जोड़ते हो तो 77 हो जाता है, 77 में 8 जोड़ते हो तो 77 × 8 = 8, 7 = 15, यानी 85 हो गया क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो,
आया क्या ज्ञान इस समझ में? आज पता नहीं वास्तव में एकदम समाधि लेने के लिए तैयार है बिल्कुल, कि कैसे भी मौका मिल जाए सो जाऊं। अरे क्या तभी तो, कोई नहीं अगला क्वेश्चन लिखो, अब नींद उड़ा के ही रहेंगे तुम्हारी। लिखो 10 संख्याओं का औसत 20 है, लिखो 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या को, अब थोड़ा सा उल्टा चलते हो, प्रत्येक संख्या को k से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को k से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को k से गुणा करने पर नया औसत 240 है, प्रत्येक संख्या को k से गुणा करने पर नया औसत 240 है, k का मान ज्ञात करो, कितना आ गया आंसर बताएगा ज्ञानेश? 12 आ रहा है क्या पक्का? इधर देखो भाई क्या है, इधर देखो 12 आ रहा है ना, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इधर देखो क्या बोला है उसने, नया औसत कितना है 240 है, ठीक है, और ये नया औसत आया कैसे है बताओ, 10 संख्याओं का औसत कितना था 20, प्रत्येक को किसने कितने से गुणा किया उसने, के से, यानी औसत में के से गुणा करेंगे क्या, तो यानी 20 में 20 औसत है, उसमें के से गुणा करने पर जो नया औसत है वो कितना आ गया 240, तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा बताओ, 0 से गया 0 और 2 से काटोगे तो 12, ये आंसर है क्या? yes, अब आ गया। देखो पिछले वाले सवाल में तो क्या था कि डायरेक्ट दे रखा था 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करने पर नया औसत ज्ञात करो, यहाँ पर नया औसत दे रखा है और यहाँ पर ये संख्या बोली है कि ये संख्या कौन सी है जिससे गुणा किया गया है, तो जो औसत है उसमें किससे गुणा किया गया है 12 से, तभी जा करके वो 240 हुआ है क्या? लिखो अगला सवाल, दस संख्याओं का औसत लिखो, हाँ अभी चलेंगे ना, लिखो 10 संख्याओं का औसत 35 है, 10 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर नया औसत 75 है, तो के का मान ज्ञात करो, 75 75 है तो के का मान ज्ञात करो, 40, बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आ रहा वो बताओ, 40. बताओ कितना है बताओ, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 35, तो आपको जो भी औसत दे रखा है वो 35 है, ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हो बताओ, प्रत्येक संख्या में के जोड़ रहे हो ना, इसका मतलब जो भी जोड़ना है वो किसमें जोड़ेंगे, औसत में, औसत में अगर के जोड़ोगे तो नया वो जो औसत है वो कितना आ रहा है बताओ 75, तो यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा 75 माइनस 35 0 40 आ गया क्या? अगला सवाल लिखो, पैंतीस में तो कितना था? अभी आज नींद में तो मुझे पता है। अगला सवाल लिखो 20 संख्याओं का औसत
20 संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक संख्या को k से भाग देने पर, प्रत्येक संख्या को k से भाग देने पर नया औसत 12 है, तब k का मान बताओ। हाँ, ऐसे गोली की तरह आंसर आना चाहिए, और जिनका गोली की तरह नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हो, भाग भी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। क्या आ गया ज्ञानेश, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है सर? इधर देखो कितना है औसत, मैंने आपको बोला था कि जो भी औसत है कितना था बताओ, 132। अब इसमें कितने का भाग लगाना है, के का भाग लगाने पे जो आंसर है वो कितना आ रहा है बताओ, 12। ठीक है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या, 132 बटा 12, या फिर आप डायरेक्ट काट लो बराबर में, 12 एकम 12 बचा एक, 12 एकम 12, तो k का मान कितना आ गया, 11। ठीक है, 132 में k का भाग लगाने पे 12 आना चाहिए, आप अंश से अंश को काट लो, 12 एकम 12 12 एकम 12। ठीक है, इस तरीके के सवाल आप कर लोगे क्या? ठीक है, तो इस तरीके के सवालों में आपको ध्यान रखना है, बहुत ऐसे सवाल यूँ मान लो बोनस होते हैं आपके लिए, अगर एग्जाम में दिख जाए ना, आप सवाल पढ़ते ही आप ये देख लो कि 12 संख्या को औसत 25 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करने पर नया औसत 25, 8 200, देखते ही पेन ही नहीं चलाना है, ऐसे सवाल तो बोनस होती है, बस लैंग्वेज पता होना चाहिए कि ये उस तरीके का सवाल है, समझ गए? उसने बोला 8 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या से 10 घटाने पर नया औसत बताओ, 8 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या से 10 घटाने पर नया औसत बताओ, 8 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या से 10 घटाने पर नया औसत बताओ, इसका मतलब औसत में से 10 घटाएंगे क्या, तो इसका मतलब 25 में से 10 गए तो कितना आ गया, 15 आ गया क्या? अरे बस यही तो करना है, जो वो कर रहा है वो आप औसत के साथ करना है। ठीक है ज्ञानेश बता, 15 संख्याओं का औसत 200 है, प्रत्येक को 10 से भाग लगाने पर नया औसत बताओ, 20 आप भाग लगा दो औसत में। ठीक है, अच्छा कई बार छोटे छोटे सवाल ऐसे ही बनते हैं, एक बात समझना मेरी ध्यान से, जैसे तीन संख्याएं लिखी हुई है आपके पास, 1 2 3, औसत कितना है बताओ, औसत कितना है बताओ, 2 है क्या? ठीक है, इसका औसत है 2। अब तीन लगातार संख्याएं थी, एक आगे वाली संख्या शामिल कर लूं, 1 2 3 और 4, चौथी संख्या शामिल कर ली, अब नया औसत कितना है बताओ, 2.5 है। ठीक है, अगर मैं एक और संख्या शामिल कर लूँ तो कितना आ रहा है, औसत हो जाएगा, देखो बीच वाली संख्या 3। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या, क्या कंक्लूजन है बताओ? इसका मतलब ये है कि जब भी आप लगातार संख्या है ना, और अगर आप एक आगे वाली संख्या कंसीडर कर लोगे, एक आगे वाली संख्या को शामिल कर लोगे, तो जो नया औसत आएगा वो कितने से बढ़ जाएगा बताओ, 0.5 से बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, इधर देख, तो ऐसा पहली बार तो इसका कंक्लूजन क्या क्या लिख सकते हैं, इसका जो निष्कर्ष है वो ये है, यदि लगातार संख्या दे रखी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं दो तीन, मैं लिखाऊंगा सवालों को, अगर लगातार संख्या दे रखी है और आगे वाली संख्या शामिल कर ली जाए तो जो औसत है वो कितने से बढ़ जाता है, 0.5 से। ठीक है, तो लिखो लगातार संख्याओं में उससे आगे वाली एक संख्या शामिल करने पर औसत 0.5 से बढ़ जाता है, औसत 0.5 से बढ़ जाता है।
पॉइंट पाँच से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो देखो ये जो संख्या थी वो तीन छोटी छोटी संख्या थी, जब जैसे ही अपन आगे जाएंगे ना उससे बड़ी संख्या मिलेगी, समझना मेरी बात। जैसे आपने एक दो तीन लिया, तीन से आगे जाओगे तो चार बड़ी संख्या है ना इन तीनों से, तो जो वो एवरेज को क्या पॉइंट पाँच से बढ़ा देगी सबके को। जैसे यहाँ पर चार तक लिखा हुआ था, अब हमने बड़ी वाली संख्या शामिल कर ली पाँच, तो जो चार जो संख्या है उनका एवरेज कितना बढ़ा देगी, वो पॉइंट पाँच पाँच बढ़ा देगी, ठीक है क्या। अब यही की यही कहानी अगर मैं हटाने पर लिखूँ तो क्या होगा बताओ, पॉइंट पाँच से घट जाएगा क्या? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेना, अगर उससे आगे आने वाली संख्या को शामिल करने पर तो पॉइंट पाँच से बढ़ जाता है और हटाने पर पॉइंट पाँच से घट जाता है, बस इतना लिख देना, ठीक है। तो संख्या हटाने पर पॉइंट पाँच से घट जाता है, संख्या हटाने पर पॉइंट पाँच से घट जाता है, ठीक है। मिटा दूं क्या? अगर आप संख्या एक आगे वाली कंसीडर करोगे तो पॉइंट पाँच से बढ़ेगा, और पीछे आगे वाली संख्या से एक घटा दोगे, जैसे मान लो यहाँ पर कितनी लिखी हुई है बताओ, पाँच, पाँच में से एक घटाई कितनी रह गई है, चार, तो पॉइंट पाँच से घट गया क्या? यहाँ चार है, यहाँ पे तीन रह गई, तो एक संख्या हटाने पर क्या फ़र्क पड़ा, पॉइंट पाँच से फिर औसत घट गया, ठीक है। अच्छा यही बात अगर मैं उल्टे बोलूँ, मान लो ये शुरुआत से देखा जाए तो, जैसे आप शुरुआत में एक संख्या बढ़ा लो तो क्या हुआ, घटेगा? भाई इसको यहाँ लिखे रहने दो, है ना, मैं यहाँ पे तीन संख्या लिखता हूँ, आठ कोमा नौ कोमा दस कोमा ग्यारह कोमा बारह, ये पांच संख्या लिखता हूँ, इसका औसत बताओ, औसत तो आप देखते ही बता सकते हो ना, अगर लगातार पांच संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी, कितना हो गया, दस। अब एक संख्या आगे से हटा दो, मैं केवल 9, 10, 11 और 12 इनका औसत, एक संख्या अगर हटा दी जाए तो औसत क्या हो रहा है बताओ, 10.5। जैसे एक और संख्या को हटा दो, 10, 11, 12 औसत क्या हो रहा है, 11, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर हटा रहे थे तो पॉइंट पाँच से घट रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, पॉइंट पाँच से बढ़ रहा है, ठीक है। अब उल्टा देख लो, अगर आगे कोई नंबर जोड़ोगे तो पॉइंट पाँच से घटता जा रहा है क्या? जैसे मान लो तीन संख्या थी, 10, 11, 12, इसके आगे मैंने एक संख्या जोड़ी 9, तो औसत क्या हो गया, पॉइंट पाँच से कम हो गया क्या? फिर मैंने एक और संख्या जोड़ी 8, एक और संख्या 8 जोड़ी, तो औसत कितना रह गया बताओ, 10, सही है क्या? इसका मतलब ये है कि इसका जस्ट उल्टा चलता है। ऐसा हुआ क्यों बताओ? क्योंकि जो आगे वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी, भाई आगे संख्या कैसी होती हैं, छोटी, और छोटी संख्याएं औसत को क्या करती हैं, गिराती हैं। अगर आप छोटी छोटी संख्याएं जोड़ोगे ना, बिल्कुल आप वैसे समझो जैसे आपके कोई मित्र है, समझना मेरी बात, आप चार लोग हो, आपका कोई मित्र आया, ठीक है, अगर वो पैसे वाला है तो आप सबका एवरेज बढ़ जाएगा, यानी अगर उस पर ज़्यादा है तो आप सबका एवरेज बढ़ जाएगा। वहीं कोई दोस्त आपका जो आपके मतलब आपसे भी कम पैसा है उस पर, और वो आके शामिल हो जाए तो वो आपके भी एवरेज को घटा देगा कि यार इसको तो हटाओ, ये एवरेज को गिरा देगा, ठीक है। तो आप हमेशा उस दोस्त की तरफ भागते हो जो आपको पार्टी दे, मतलब जिसमें थोड़ा नौकरी वोकरी में लगा हो, क्योंकि एवरेज बढ़ता है। अरे कई जो लोग हैं वो बोलते हैं गरीब की दोस्ती जी का जंजाल, ऐसे कुछ बोलते हैं गरीब की दोस्ती जी का जंजाल, ऐसे कोई बोल रहा था, मैंने कहा ठीक है यार ऐसा ही चलता है। नहीं ऐसा होता है, मतलब अमूमन दोस्तों में देखा गया है मैंने, आप देखोगे आगे जा करके, आप एवरेज समझ लो इससे, और ऐसा होता भी है, जैसे ज़्यादा है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा ही होंगे आप, पक्की बात है। अरे आपका कोई दोस्त आ रहा है यार नौकरी लगा है, आप सोचोगे आज शाम को जल्दी से आ जा ठीक है। तो ये बात लिख लो भाई, शुरुआत में छोटी छोटी संख्याएं होती हैं वो औसत को क्या करती हैं, गिराती हैं। तो शुरू वाली संख्या शामिल करोगे तो औसत गिरेगा, और लास्ट वाली संख्या शामिल करोगे तो औसत बढ़ेगा, बात ये है।
ठीक है, तो ये बात लिखाने की जरूरत नहीं, आप इसको समझ जाओ। ठीक है, अगर आप शुरू में जोड़ रहे हो तो औसत गिर रहा है। ठीक है, शुरू में संख्या जोड़ने पर औसत क्या हो रहा है बताओ, 0.5 से कम हो रहा है। और शुरू से संख्या हटाने पर, शुरू में से संख्या हटा रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ, 0.5 से बढ़ रहा है। ठीक है, शुरू से संख्या हटाने पर औसत 0.5 से बढ़ जाता है। आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो सवाल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल लिखो, आप इसको लिख रहे हो जल्दी से लिख के, फ्री हो। LDC 2015 का सवाल है भाई, लिखो लिखो सवाल लिखो। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, सवाल लिखो। नौ क्रमागत संख्याओं का औसत n है, n लिखना। ठीक है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि उसमें अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, यदि उनमें सॉरी उसमें नहीं उनमें यदि उनमें क्योंकि वो संख्या 9 है ना, तो बहुवचन हो गया, तो उनमें यदि उनमें अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाएं, तब नया औसत ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, ज्ञानेश कितना आ रहा है, एन प्लस वन। आप एक बात बताओ, क्या सवाल क्या था, नौ क्रमागत संख्या लिखी हुई है, ठीक है, उनका औसत एन है। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, मान लो जैसे नौ क्रमागत संख्या मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ है क्या, औसत बताओ इसका कितना है, नहीं अब इनमें बताओ कितना है, तो देखो कितनी है, नौ है ना, तो चार इधर हटा दो, चार ये पाँच आ रहा है क्या, सही बात है, पाँच आ रहा है क्या, तो इसका औसत आ रहा है पाँच। और सवाल में ये औसत कितना दे रखा है, एन दे रखा है क्या, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगली दो संख्याएं शामिल कर लो, अगली दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बताओ, 10 और 11, तो जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 11 संख्याओं में कितनी एक बीच में रहेगी और पांच पांच इधर उधर रहेंगी, ठीक है, इसका मतलब छठी संख्या आंसर आ गई क्या, तो जो नया औसत है वो कितना आ रहा है बताओ, औसत आ रहा है 6, इसका मतलब इसके अनुसार क्या है कि एन में एक जोड़ा गया है क्या, ठीक है क्या। और वैसे भी मैंने अभी बताया था कि अगर एक संख्या बढ़ाओगे तो 0.5 बढ़ेगा, दो संख्या बढ़ाओगे तो एक, तीन संख्या बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, चार बढ़ाओगे तो दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा क्योंकि एक संख्या बढ़ाने पे 0.5 बढ़ता है, तो दो संख्या बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, एक, ठीक है। ये LDC में पूछा गया था 2015 में, ठीक है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, 25 लगातार संख्याओं का औसत, 25 लगातार संख्याओं का औसत m है, 25 लगातार संख्याओं का औसत m है, तब पहला सवाल लिखो, अगली चार संख्याएं जोड़ने पर, पहला सवाल लिखो,
अगली चार संख्या जोड़ने पर नया औसत। अंत से पांच हटाने पर नया औसत। अंत से पांच संख्याएं हटाने पर नया औसत। अंत से पांच संख्याएं हटाने पर नया औसत। तीसरा क्वेश्चन लिखो, शुरू में तीन संख्याएं जोड़ने पर नया औसत। तीसरा क्वेश्चन लिखो, शुरू में तीन संख्याएं जोड़ने पर नया औसत। और चौथा क्वेश्चन लिखो, शुरू से चार संख्या हटाने पर नया औसत। शुरू से चार संख्या हटाने पर नया औसत। आपका आ गया, जिनका नहीं आया उनसे ही पूछना है मेरे को। अब इसका आंसर देगा एक तो ज्ञानेश ओझा और एक ये जो बैठी हुई है निशा मीणा। ठीक है, आप लोग ही, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा। ज्ञानेश औसत कितना है बताओ, पहले का आंसर देखो, इधर देखो सभी, पहले का आंसर कितना आएगा, औसत कितना है बताओ, m m। ठीक है, पहले में क्या कर रहे हैं बताओ, अगली संख्या शामिल कर रहे हैं ना, अंत में शामिल होंगे, कितनी संख्या शामिल कर रहे हैं, चार कर रहे हैं क्या। तो अच्छा, चार संख्या एक एक से आधा बढ़ता है, तो चार से कितना बढ़ जाएगा भाई, एक से पॉइंट पाँच बढ़ता है आधा, तो चार से कितना बढ़ जाएगा, दो, चार से बढ़ जाएगा दो, तो पहले का आंसर आ जाएगा m प्लस। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक संख्या का बढ़ रहा है कितना, पॉइंट पाँच यानी आधा, तो चार का कितना बढ़ जाएगा, चार को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, सही बात है क्या। सेकंड का आंसर बता ज्ञानेश, क्योंकि लास्ट से कितनी संख्या हटा रहे हैं, पाँच। अब पाँच संख्या हटाने पर पाँच का मतलब पाँच में दो का भाग लगाओगे तो दो पॉइंट पाँच आता है क्या, तो एम माइनस दो पॉइंट पाँच। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, शुरुआत में क्या कर रहे हैं संख्याएं है? शुरुआत में संख्या जोड़ रहे हैं क्या, और शुरू में जोड़ोगे तो क्या कम होगा क्या, क्योंकि छोटी संख्या रहती है, तो कितनी संख्या जोड़ रहे हो बताओ, तीन है ना, तो m माइनस एक पॉइंट पाँच। और चौथा क्या हो जाएगा बताओ, क्या चार हटा रहे हो क्या, इसका मतलब शुरुआत में छोटी छोटी संख्या है, अगर उनको हटाओगे तो एवरेज बढ़ेगा, चार हटा रहे हो तो कितना बढ़ेगा, ये भाई आंसर है आपके। ठीक है निशा मीणा, जिंदगी की जंग में पीछे रह गई, क्या हुआ। अरे मैंने ये बोला था ना आपको कि एवरेज है वो कितने से बढ़ता है बताओ, पॉइंट पाँच से यानी आधा बढ़ जाता है क्या। अब पहले सवाल में ये दे रखा है कि लास्ट की कितनी संख्या शामिल कर रहे हो बताओ, चार, तो चार लास्ट में शामिल करोगे तो इसका मतलब बढ़ेगा या घटेगा, बड़ी बड़ी संख्या होती है पीछे जाते जाते हो तो बढ़ेगा, तो अब एक से पॉइंट पाँच बढ़ रहा है तो चार से कितना बढ़ जाएगा बताओ, अरे एक से आधा बढ़ रहा है, ये मानो एक से कितना बढ़ रहा है आधा, तो चार से कितना बढ़ जाएगा, तो m प्लस दो। समझो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, अगर अंत से दो कितनी संख्या हटा दी आपने, पाँच, अगर अंत से संख्या घटाओगे तो क्या होगा बताओ, अंत में बड़ी बड़ी संख्या होती है क्या, उनको हटाओगे तो एवरेज गिरेगा, पाँच हटा रहे हो तो पाँच का आधा कितना होता है, ढाई, तो पाँच में से कितना घटेगा, दो पॉइंट पाँच। तीसरा है शुरुआत में क्या कर रहे हो बताओ, शुरुआत में संख्याएं जोड़ रहे हो या हटा रहे हो, शुरुआत में हटा रहे हो ना, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ोगे तो छोटी छोटी संख्या है उनसे एवरेज गिरता है, शुरू में छोटी संख्या रहती है उनसे एवरेज गिरता है, तो एवरेज गिर करके तीन अगर जोड़ हटाओगे तो कितना हो जाएगा ये, एक पॉइंट पाँच, तीन अगर जोड़ दोगे तो, और इसमें घटा दोगे तो क्या होगा बताओ, चार संख्या हटा रहे हो ना तो एवरेज बढ़ेगा, शुरू से चार हटाओगे तो दो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब औसत पर आधारित और देख लेते हैं। ठीक है, मतलब औसत जो टाइम एंड डिस्टेंस में होता है ना, कि एक व्यक्ति चार किलोमीटर पर आर से जाता है और पाँच किलोमीटर पर आर से आता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित एक औसत कैसे निकालते हैं वो देख लो। ठीक है, इसको तो लिख लो, लिखो
यदि किसी निश्चित दूरी को, अगले टाइप के सवाल हैं, यदि किसी निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तब औसत, अलग अलग चाल से तय किया जाए तब औसत। जैसे आपने मान लिया, इधर देखो, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं हम डायरेक्ट। जैसे कोई डी डिस्टेंस है, कितनी है बताओ, अरे दूरी दे रखी है डी, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है, समझना मेरी बात, एक व्यक्ति इस डी दूरी को क्या करता है, 1 किलोमीटर पर आर से तो इधर से जाता है, उधर से लौटते समय किससे आ रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटे से। ए से तो गया किधर से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। जब वो ए से कहाँ जा रहा है, मान लो 1 किलोमीटर पर आर से इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहा है मान लो, ठीक है। मैं इनको मैं एक्स और वाई दे देता हूँ पॉइंट, है ना। एक्स पॉइंट से कितनी स्पीड से जा रहा है वो, 1 किलोमीटर पर आर से, और जब वापस आ रहा है तो कितने से आ रहा है बताओ, 20 किलोमीटर पर आर। तो आपको बताना है कि औसत चाल कितनी है इसकी, ठीक है। औसत चाल के लिए क्या करते हैं बताओ। अच्छा, औसत चाल होती क्या है, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। औसत चाल क्या होती है बताओ, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अच्छा, कुल दूरी कितनी हो गई बताओ, एक व्यक्ति पहले ए से बी तक गया तो कितनी हो गई डी, फिर बी से लौट करके ए तक आया तो कितनी हो गई डी, तो डी और डी कितना हो गया 2D, तो दूरी तो कुल दूरी हो गई 2D, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है बताओ डी, समय बराबर दूरी बटा चाल लगेगा, दूरी दे रखी है डी और चाल कितनी है ए, उधर से लौट रहा है तो चाल कितनी है बताओ बी, दूरी तो डी है। यहाँ से देखो ये हो गया 2D, यहाँ से D कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ बचेगा 1/A प्लस 1/B, यही बात है क्या, D से कट जाएगा D, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये 2/A में, A भी आ गया LCM और ये हो जाएगा B प्लस A, यानी A प्लस B भी लिख सकते हैं इसको, आंसर आ जाएगा 2AB/A में A प्लस B। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बस, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2AB/A+, इधर से जा रहा है उधर से लौट के आ रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आर से एक निश्चित दूरी को तय करता है और लौटते आता है वो 40 किलोमीटर पर आर है, तो कई बच्चे क्या करते हैं 20 और 40 को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, वो नहीं हुआ। कारण ये है कि इस पूरे प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि निश्चित दूरी डी है, इधर से जाएगा तब डी तय करेगा, उधर से आएगा तो डी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2D। फिर चाल क्या होती है बताओ, समय क्या होता है, नीचे समय दे रखा है क्या, समय होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है डी चाल है ए, फिर बी के लिए दूरी है डी और चाल है बी, ठीक है। यहाँ से डी कॉमन आ गया, डी से डी काट दो, 1/A और 1/B, ये ए भी आ गया LCM और ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए भी ऊपर जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 चालें दे रखी हैं तो उनकी औसत चाल कितनी आ जाएगी बताओ, 2AB/A ए प्लस, ठीक है। अरे नहीं, अभी तो टाइम, आज आपने ऐसा क्या हो गया, आज मौसम है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मन नहीं है। अगर तुम प्रधानी का चुनाव लड़ोगे, नाम प्रधान होने से प्रधान थोड़ी हो जाओगे, अभी थोड़े दिन में चुनाव वुनाव लड़वाए तुम्हें, तो तुम सो जाओगे चुनाव वाली रात को, तो फिर होगा क्या बताओ, हैं अगली बार लिखो क्वेश्चन लिख लो, उसे समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, टाइम बच रहा है ना, हाँ
देखो रोहित ऐसे भी तक, इसकी हालत देखो यार, रोहित ऐसे भी तक। अब यार 5 मिनट के लिए क्या चाय पिलाऊं? किसी और दिन देखते हैं। हाँ करेंगे व्यवस्था आपके लिए करेंगे, यहाँ पे कॉफ़ी का एक रख देंगे आराम से, जैसे चाय पीने जाते हो ना, पानी पीने के लिए जाते हो, वैसे ही गर्म किया कॉफ़ी आराम से निकाल के और एक कप पिया और फ्रेश होके फिर पढ़ने के लिए बैठ गए ना। कर ये काम कर दें पक्का, आप लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उठ उठ के बार बार कॉफ़ी पीने के लिए चल दिए, कहाँ जा रहे हो कॉफ़ी पीने, रोक भी नहीं सकते हैं कि नींद आ रही है। और एक वो स्टूडेंट आए थे उस दिन, मैं यहाँ पे कुर्सी बैठे हुए थे, यहाँ बैठे बैठे भाई साहब ऐसे करके सो गए यार। हाँ जितेंद्र आगे, वो आया क्यों नहीं आपका जानकार था क्या? क्वेश्चन लिखो लिखो, रोहित रोहित ए से बी तक, रोहित ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। रोहित ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। आपको ऐसे लिखना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे किलोमीटर पर आर, ठीक है, किलोमीटर पर आर की चाल से जाता है, तथा 15 किलोमीटर पर आर की चाल से वापस आता है, तथा 15 किलोमीटर पर आर की चाल से वापस आता है, तब उसकी औसत चाल ज्ञात करो। आंसर बताओ भैया, इसका फॉर्मेट तो यही बन रहा है कि रोहित क्या कर रहा है, जैसे कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, कितने स्पीड से जा रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। क्या फॉर्मूला क्या था बताओ, 2ab बटे में a प्लस b। तो एक बात बताओ, 2 a मतलब पहली चाल, पहली चाल है 20, b मतलब दूसरी चाल 15, और a प्लस b यानी हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो गया बताओ, 35, 20 प्लस 15 हो गया 35, ठीक है, इधर लिख देता हूँ ना, ये हो जाएगा 2 × 20 × 15 बटे में 35, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दिए 15, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, ठीक है, इनको गुणा करोगे 20 × 2 = 40 और 4 × 3 = 112 यानी 120, 120 बटा 7 हो गया क्या, इसको भी आगे सॉल्व करोगे 7 × 7 बचा कितना 5, 77 × 49 17 × 1/7 एक 3 वाला और कर दो यार, 1 3 वाला, ठीक है, अगर चालें 2 दे रखी हैं तब तो आप निकाल सकते हो, 3 चाल दे रखी तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, तुम भले ही सो जाओ तब भी आज छुट्टी नहीं मिलेगी। आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है ना, इसीलिए हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, ये मौसम अब ऐसा ही चल रहा है क्योंकि मौसम एक्चुअली बारिश का तो है नहीं। हाँ भाई, एक स्टूडेंट के लिए ना कोई सर्दी ना कोई गर्मी, उसके लिए तो एक जंग होती है ज़िंदगी, हर कदम एक नई जंग है, ठीक है, तो हर कदम पे एक नई जंग है, आपको लड़ना ही पड़ता है। आप खुद देखो यार, मैम का देखो, मैम की अधिकारी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है ना, उसके बाद भी कितनी मेहनत करती हैं, हो सकता है सैटरडे संडे को आराम कर लें, आप सीखो यार चीज़ों से, इतना अच्छा। तो बेटा आप अभी छोटे हो, आप बड़े नहीं हो, मैम की एज के आधे हो तुम तो, ठीक है, तो अब ये तो यहाँ से तो ऐसे ही लगता है कि अम्मा नहीं बन जाए, लेकिन हालत ये हो जाती है, आप में से ही कुछ दीवारों पे पेंट कर रहे हो, बस छोटे से दिख रहे होंगे, इन्हीं बच्चों में से जाते हैं और कौन जाता है भाई, ऐसे
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े होकर के, मजदूरी धूप है तो भी करनी पड़ रही है, और पेंट कर रहे हैं और इतने ऊपर लटके हुए हैं कि जरा नीचे देख लें तो नीचे ही आ जाए, ठीक है। तो वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, वहाँ कौन लटकना चाहता है। अभी इस एज के बच्चे को अगर वो दिखा दिया जाए तो 36 घंटे पढ़ ले यार लगातार, अगर ये दिखा दिया जाए कि तो ये काम करना पड़ेगा, वो आज से ही बैठ के पढ़ने लग जाए। तुम तो खेतों में, तो किसी की जिसके खेत नहीं है वो तो और वो क्या करे बताओ। अच्छा तो वही तो बात है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत। एक क्वेश्चन है ना तीन वाला, अगर एक बात समझना मेरी बात, ठीक है। अरे इधर देखो भैया एक बार ध्यान से, अरे दो वाला तो समझ में आएगा, तीन वाले में दिक्कत होगी, ठीक है। अरे इधर देखो भाई, ये मैं यहाँ पॉइंट बना देता हूँ, ए है बी और ये कौन सा सी, तीन पॉइंट है सी ए बी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है डी, और एक पॉइंट और बना देता हूँ मैं डी, ठीक है डी, और यहाँ तक की क्या कर दिया है मैंने ए बी सी डी पॉइंट, ये दूरी स्मॉल डी कर लो है ना, ये भी स्मॉल डी और ये भी स्मॉल डी, ठीक है। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इधर देखना कि एक व्यक्ति ए से बी तक तो जा रहा है, तब उसकी चाल है एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रति आवर पर आवर, ठीक है। जब वो बी से सी तक जा रहा है तो उसकी चाल कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर, और जब सी से डी तक जा रहा है तो उसकी चाल कितनी है जेड किलोमीटर। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है तो एक्स किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर बी से सी तक जाता है तो वाई किलोमीटर पर आवर से जाता है, और सी से डी तक जाता है तो जेड किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है। और निश्चित दूरी है, बराबर दूरी है, दूरी यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, तीन बराबर दूरियाँ हैं, ठीक है। क्या हो गया, पंखा बंद कर दूँ अब तो, ठीक है। आज दिक्कत होगी उसको शायद, नहीं वो ऐसे करता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, औसत चाल बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखाया था, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल क्या हो जाती है बताओ, मैं इधर लिखता हूँ इसको, ठीक है। औसत चाल क्या होती है बताओ, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई बताओ, डी प्लस डी कितनी हो गई 3D, ये हो गई 3D। अच्छा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, समय बराबर होता है, अगर किसी को नहीं पता तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है बताओ, अरे ए से बी तक के लिए गए, ए से बी तक कितना समय लगा, इधर देखो ए से बी तक कितना समय लगा, दूरी तो डी है और चाल इतनी है, तो डी बटे में एक्स। फिर आप बी से सी पे गए तो कितना समय लगा, आपको पता है दूरी डी है चाल इतनी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है क्या, तो ये आ जाएगी डी बटे में वाई, वो आ जाएगा डी बटे में जेड। अब या यहाँ पे बताओ 3D, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा क्या, तो ये बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये तो डी से डी कट जाएगा और ये आ जाएगा बताओ कितना एक्स वाई जेड, तो LCM आ जाएगा क्या, और ये आ जाएंगे XY प्लस YZ प्लस ZX, और ऊपर कितना आ जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा पलट के तो ये आ जाएगा 3XYZ बटे में XY प्लस YZ प्लस ZX। ये है फॉर्मूला भाई, है ना, आपको ये याद कर लेना है कि अगर तीन चाल दे रखी है तो फॉर्मूला क्या आएगा 3XYZ बटे में XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। और एक एग्जाम्पल कर दो उसके बाद छुट्टी है, एक एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। हाँ लिख लो आराम से लिखो, मैं तो कह रहा हूँ कि इतना रज रज के लिखो कि तबीयत खुश हो जाए। हमारे तो डेली चल रही, पता नहीं क्या चल रहा है मौसम की वजह से, हाँ अलग ही तरीके की हो रखी है, जैसे छींक आना, नाक से पानी बहना, आंखों से आंसू निकलना, तो ये लक्षण किसके, बदलते हुए मौसम के, ये इसके लक्षण है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी क्या है कमजोर।
मैं, अरे भाई एसी में नहीं है। हाँ ये मान सकते, ठंडा पानी। अरे लेकिन मुझे कभी कभार ताज्जुब होता है कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कभी जुखाम नहीं हुई, कभी बुखार नहीं आया। क्या? हाँ 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 अच्छा, वर्कआउट का ही फ़र्क है, वर्कआउट हो नहीं पाता। लिख लिया। अब ये अधिकारी बनेंगे धीरे धीरे, पढ़ाई तो कर रही है, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब बेटा इस सवाल को उतार लिया क्या, फॉर्मूले को? एक सवाल कर दो, चलो ठीक है। लिखो अरविंद, अरविंद, अरविंद अडिगा, अरविंद एक वृत्तीय पथ में, अरविंद एक वृत्तीय पथ में क्रमशः एक वृत्तीय पथ गोला में, एक गोलाकार पथ है ना, जैसे आप दौड़ दे रहे हो। अरविंद एक वृत्तीय पथ में क्रमशः क्रमशः 10.12.15 मीटर पर सेकंड की दर से पार करता है, 10.12.15 मीटर पर सेकंड की दर से पार करता है। मीटर पर सेकंड ऐसे लिखना है ना, मीटर पर सेकंड, ये इसकी तो चाल होती है, उसकी इकाई है, ठीक है, किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, किधर से पार करता है। अरविंद की औसत ज्ञात करो, अरविंद की औसत चाल ज्ञात करो, अरविंद की औसत चाल ज्ञात करो। कर ली क्या? औसत चाल का फॉर्मूला क्या है बताओ? 3xyz/xy + yz + zx, यही बात है क्या? ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखो, x की वैल्यू तो हो गई 10, y की कितनी हो गई 12, और z की कितनी हो गई 15। 10, 12, 15 तीन ही तो चाल है, तो आप देखो 3 की जगह पे 3, 10 × 12 × 15। अरे आप इनको मान लो कि ये तो x मान लो आपने, ये मान ली y किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड, और ये मान ली z मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए मतलब 10 × 12 होगा क्या, प्लस 12 × 15 प्लस 15 × 4.5 आ रहा है क्या? देखो यहाँ तक तो जमा लिया क्या सभी ने? अरे कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो? डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज योर माइंड। ये चल गया है, मैंने चला दिया है बाय मिस्टेक। अरे ठीक है, अरे वो तो चलो कोई नहीं। अरे भाई इधर देखो, ये कितना हो गया, 3 × 10 × 12 × 15 बताओ, 10 और 12 का गुणा करता है कितना होता है बताओ, 120। 15 और 12 का 180, 15 और 12 का गुणा करने पे 180 आता है, 15 12 180, ठीक है, और 15 का 10 से करते हैं तो कितना आता है, 150।
अब इसको भी और आगे लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा 3 × 10 × 12 × 15 / इनको जोड़ो, 180 और 120 को जोड़ते हो तो 300 होता है क्या, और 300 में 150 जोड़ते हो तो कितना आता है 450, तो ये हो जाएगा 450। अब संख्या को काट लो, 0 से कट गया 0, 3 से काटोगे 3 से गया 15 बार, 15 से काट दोगे 15 गया और आंसर आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके भैया, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे परसों, कल टेस्ट दे